This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार तो दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल Local TV पर। आज की तारीख है 14 जुलाई 2022 और मैं कीर्ति और मेरे साथी पापिया आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन्स से। दावरी ने भी मचाई तबाही सारे मुख्य हाईवे बंद रेबन्ना के के नए एसआई भूमेश, पोडू भूमि लिए कांग्रेस, नाबार्ड का दिवस, टल गई कंप्यूटरों की नीलामी आज शाम की सबसे पहली खबर पूरा तेलंगाना राज्य प्रचंड बाढ़ के कारण पिछले दो दिनों से सुर्खियों में बना है विशेष रूप से उत्तरी तेलंगाना में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है गोदावरी और उसकी सहायक नदियां अपनी विकराल रूप दिखा रही है आधे मंजरियाल शहर को गोदावरी ने अपनी चपेट में ले लिया है वहीं करीम नगर की मानेर नदी ने पिद्दापल्ली और करीम नगर का यातायात संपर्क तोड़ दिया है इसी बीच राज्य सरकार ने यातायात बंद करने के निर्देश दे दिए हैं नगर से पिद्दापल्ली मंजरियाल से गोदावरी खनी मंजरियाल से चिन्नूर मंजरिया मंजरियाल्टी पेट इन जगहों पर यातायात बंद कर दिए गए हैं। रामगुंडम पुलिस कमिश्नर ने रेबेना के एसआई रहे भवानी सेन को को कोमरम भीम जिला एसपी कार्यालय से अटैच कर दिया है उनकी जगह पर रेबेना के नए सब इंस्पेक्टर के रूप में भूमेश जी की बहाली की गई है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के आदेशानुसार प्रदेश के किसान सेल अध्यक्ष अन्वेश रेड्डी को सिरपुर तालुके में भेजा गया उन्होंने तालुके में मौजूद किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता रावी श्रीनिवास के साथ पूरे तालुके का दौरा किया इस भीषण बाढ की हालत में भी कांग्रेस नेताओं ने किसानों से मिलने का काम जारी रखा है अनवेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों की सबसे बड़ी समस्या पोड़ू भूमि को लेकर है वही समस्या सिरपुर तालुके में भी साफ दिखाई दे रही है उन्होंने सिरपुर के किसानों को ये आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के खिलाफ पोड़ू भूमि को लेकर कांग्रेस राज्य व्यापी आंदोलन करेगी जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसे देश में 40 प्रतिशत कमाई खेती से होती है ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने 40 साल पहले नाबार्ड का गठन किया था नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि सिर्फ किसानों के लिए बना है नाबार्ड के तहत किसानों को भारी मात्रा में लोन और क्रेडिट कार्ड मिलते हैं साथ ही ग्रामीण इलाकों में सड़क नाले नहर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम करती है। जिले में बाढ़ के कोहराम के चलते यातायात ठप हो गया है और पुलिस विभाग लगातार लोगों की सेवा और रक्षा में जुटी हुई है ऐसे में 12 जुलाई को जो कंप्यूटरों की नीलामी टाल दी गई थी अब यह नीलामी 18 जुलाई को होगी ऐसी सूचना पुलिस विभाग ने दी है 14 जुलाई के शाम की खबरें आज बस यही तक लोकल टीवी पर मैं और मेरी साथी कीर्ति आप सभी से लेते हैं विदा कल वापस मिलेंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ तब तक के लिए यूँ ही बने रहे लोकल टी के साथ और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपके सुझाव के इंतज़ार में हम हमेशा रहते हैं साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं साथ ही साथ पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहे नमस्कार